तो वे आज बना रहे हैं लौकी और उड़द दाल की वड़ी की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी दिखने वाली सब्जी बिल्कुल 20 मिनट में तैयार हो जाती है और बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं है। तो देखिए किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पहले कर रहे हैं तैयारी। कद्दू को हमने काट दिया छोटे पीसेस में और उड़द दाल की वड़ी को भी छोटे पीसेस में तोड़ दे रहे हैं। और अभी सब्जी बनाएंगे हम प्रेशर कुकर में। बस प्रेशर कुकर में पहले डाला है ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही इसमें पहले वड़ी को फ्राई कर दे रहे हैं। ये स्टेप बिल्कुल ही जरूरी है, इसके साथ वड़ी का रंग अच्छा निखरेगा और इसका स्वाद भी बड़ा अच्छा आएगा। बस इसे 1 से 2 मिनट फ्राई करना है। जैसे इसका रंग बदलता है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है, इसे निकाल दीजिए। और अब उसी गरम ऑयल में पहले डाल रहे हैं जीरा और डाल रहे हैं साथ ही हरी मिर्ची, बहुत ही फाइनली चॉप की हुई है, और साथ ही डाल दे रहे हैं इमीडिएटली इसमें प्याज। तो प्याज को भी आप देखेंगे हमने बहुत ही फाइनली चॉप किया हुआ है। अब प्याज को सौते करना है, इसे पकने देना है। इसे धीमे से मीडियम आंच पर कुक करिएगा, नहीं तो ये जल सकता है। तो प्याज जैसे इस तरह नाइसली पिंक हो जाता है, इसमें डाल दे रहे हैं कद्दू। तो लौकी को हमने छोटे पीसेस में काटा, वैसे आप चाहें तो बड़े पीसेस भी कर सकते हैं। और इसे पूरा का पूरा डाल देना है प्रेशर कुकर में और इसे मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद इसमें इमीडिएटली डाल दे रहे हैं टमाटर, उसे भी हमने फाइनली चॉप किया हुआ है। बस इसे भी कर देना है मिक्स। और अब टमाटर के साथ ही सब स्पाइसेस भी डाल दे रहे हैं। तो ये गैस में नमक, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर और लाल मिर्ची, बेसिक स्पाइसेस ही हैं। और अब साथ ही डाल दे रहे हैं इसमें फ्राई की हुई वड़ी के पीसेस। बस सबको मिक्स करके इसे कुक होने देना है। इसे 3 से 4 मिनट तक कुक होने देना है। इसे तब तक कुक करना है जब तक टमाटर की स्किन निकल ही नहीं शुरू होती। आपको 1 या 2 पीसेस पे ऐसा दिखा, मतलब ये अच्छी तरह से सौते हो चुका है, कुक हो चुका है। उसके बाद डाल रहे हैं इसमें पानी। पानी वैसे थोड़ा सा ही डाल रहे हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा रसा चाहिए तो ज़्यादा डालिएगा। वैसे कद्दू या लौकी का अपना ही काफ़ी मॉइस्चर होता है। फिर भी मिक्स करते ही एक उबाल आती, इस पर रख दे रहे हैं ढक्कन। और अब इसे कुक करेंगे जब तक कि 2 विसल्स नहीं हो जाते हैं। और 2 विसल्स के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर वड़ी जो है वो कुक नहीं हुई है, सॉफ्ट नहीं हुई है, खाने लायक नहीं हुई है, तब उसे 1 या 2 विसल्स और लगा दीजिएगा। तो ये हमारी कद्दू और बड़ी की सब्जी हो चुकी है रेडी। इसे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स के साथ गार्निश करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। और सर्व करते वक्त इसे काली मिर्ची के पाउडर के साथ गार्निश करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। तो आई होप आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। हमें कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपकी कद्दू और बड़ी की सब्जी कैसी बनी। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।